नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की माघ मास की गुप्त नवरात्रि की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। 10 फरवरी से माघ मास की गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए यहाँ जानते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा। इस कथा को नवरात्रि के दौरान किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करवध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्वसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वांसतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त दो नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वशेषकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। देवी माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः सुख संपन्नता से भर गया। दुर्गा जी की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, कहरी वाहन राजत, खड़क खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाति, ओ मैया महिषासुर घाति, ध्रुम विलोचन नैना, ध्रुम विलोचन नैना, निश दिन मद माति। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, ओ मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा,
बाजत ताल मृदंगारु बाजत डमरु ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़क खपर धारी अमैया खड़क खपर धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती उमैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करणी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। बोलो दुर्गा माँ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो, हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।